हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वाला एसी का शेड है और इसकी जो टोटल लंबाई है 300 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। टोटल 9000 स्क्वायर फीट एरिया है। इस बार मैंने 9000 चिक्स इसमें डाले हैं। सुगना कंपनी से इसमें मेरा इंटीग्रेशन है। ये शेड मैंने 2020 में बनाया था और 2021 में के स्टार्टिंग में मैंने इसको कंप्लीट एसी का कर लिया था। दोस्तों, इसमें आज 30 दिन का बर्ड है किंतु ग्रोथ जो है उस प्रकार से नहीं दिख रही। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि कंपनी ने जो है फीड इंटेक जो कम कर दिया है, तो उसके कारण क्या है, बर्ड करीब 24 घंटे में से 12 घंटे बर्ड भूखा रह रहा है। तो इसके कारण जो उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ थोड़ी सी कम है। अगर हम फीड थोड़ा सा बढ़ा दें तो उनका जो ग्रोथ है, जो वो मोमेंटम है, मोमेंटम वापस आ जाएगा उनको। दोस्तों, इस बेच में भी हमने क्या है, दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ओनली वाटर सैनिटाइजर चलाया है, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर और फीड इनटेक के लिए दवाई लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी उनको ठंड के कारण भूख लगी रही है। दोस्तों, इस सेट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इस सेट में टोटल 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। 1.5 HP की एक में मोटर है 3 फेज की, और जो कूलिंग पैड जो है, जो यहाँ से अब थोड़ा सा आपको काला काला दिख रहा होगा, ये टोटल 72 फीट लगी हुई है। एक साइड 36, दूसरी साइड भी 36, और 2 फीडिंग लाइन लगी हुई है। इसमें दो फीडिंग लाइन में 224 बर्तन हैं दाने के, और साइड साइड जो कैंची है उनमें मैंने जो है मैनुअल फीडर टांग दिए हैं, ताकि बर्ड को ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़े दाना खाने के लिए। और जो है यहाँ पे मैंने बैरियर पूरा बना रखा है। एक बैरियर टूट गया था तो इसकी जगह पे मैंने ब्लॉक लगा दिया, किंतु जितने भी है मैंने सब जगह बैरियर बना रखे हैं। और इस फार्म में टोटल जो है मैंने 4 हिस्से कर रखे हैं। दोस्तों, टोटल मेरे 3 शेड है और तीनों इसी के हैं। एक शेड में थोड़ा सा पेंडिंग वर्क जो रह गया था, उसमें काम चल रहा है, उसका मैं वीडियो कल बना के बताऊंगा। अभी मैं इस शेड की थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ। इसमें टोटल जो पानी की लाइन है, ये तीन लाइन पानी की लाइन है, और ये इनके जो पर निप्पल के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 9 इंच का डिस्टेंस है। और इसमें जो भी इंस्टॉलेशन है, चाहे एग्जॉस्ट फैन हुआ, कूलिंग पैड हुआ, और फीडिंग लाइन हुई या निप्पल लाइन हुई, और शेड का पूरा जो कंस्ट्रक्शन, ये पूरा मैंने ही किया है। मैंने किसी से नहीं करवाया, कोई कंपनी का आदमी या किसी को नहीं बुलवाया। दोस्तों, ये सब इंस्टॉल करना और ये सब करना बहुत ईजी है। अगर एक बार हम सीख जाएँ तो हम आसानी से सीख भी कर भी सकते हैं और बहुत बड़े तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों, धन्यवाद।